किसानों को ऐसे कानूनों में उलझाकर रखा गया जिसके कारण वो अपनी ही उपज को अपने मन मुताबिक बेच भी नहीं सकता था नतीजा यह हुआ कि उपज बढ़ने के बावजूद किसान ने पसीना बहाने में कोई कमी नहीं रखी बुंद बुंद पानी का तिल तिल जमीन के हिस्से का उपयोग करते हुए देशवासियों का पेट भरने के लिए सरकार के खजाने भरने के लिए हमारे किसान ने कोई कमी नहीं रखी उपज बढ़ाने के बावजूद किसानों की आमदनी उतनी नहीं बढ़ी हां उन पर दिन कर्ज बढ़ता गया कर्ज जरूर बढ़ गया साथियों भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने निरंतर इस स्थिति को बदलने का प्रयास किया है प्रामाणिक प्रयास किया है सोच समझ करके प्रयास किया है कोई निजी स्वार्थ के लिए नहीं कोई राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं सिर्फ और सिर्फ किसान के कल्याण को ध्यान में रखते हुए पहले लागत का डेढ़ गुना एमएसपी तय किया उसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी की और रिकॉर्ड सरकारी खरीद भी एनडीए सरकार ने ही की है इतिहास बना दिया है बीते सालों में यह निरंतर प्रयास किया गया है कि किसान को बैंकों से सीधे जोड़ा जाए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में कुल एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा ट्रांसफर किए जा चुके हैं सरकार ने इस बात का भी प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों के पास क्रेडिट कार्ड हो किसान क्रेडिट कार्ड उन्हें खेती के लिए आसानी से कर्ज उपलब्ध हो पहले सिर्फ उसी किसान को केसीसी का लाभ मिलता था जिसके पास दो हेक्टर जमीन हो हमारी सरकार इसके दायरे में देश के हर किसान को ले आई थोड़ी सी भी जमीन होगी किसान है इसका हकदार है अब किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ पशुपालकों को और मछली पालन से जुड़े लोगों को भी दिया जा रहा है किसानों से हमेशा जिन्होंने झूठ बोला है झूठ बोलने वाले कुछ लोग इन दिनों अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं किसानों को भ्रमित करने में लगे हैं ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं देश के किसानों को ऐसी किसी भी अफवाह से बचाना कृषि सुधार का महत्व समझाना भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा कर्तव्य है हमारी जिम्मेवारी है क्योंकि हमें किसान के भविष्य को सुनिश्चित करना है उज्जवल बनाना है हम जितना ज्यादा किसानों को कृषि सुधार की बारीकियों के बारे में समझा पाएंगे उतना ही किसान जागरूक होगा और अपने को कोई अगर लूट लेता है धोखा करता है तो वो खुद भी जागरूक हो जाएगा अपने आप को बचा लेगा और इसलिए किसान को सशक्त होने का यह रास्ता है साथियों किसानों की तरह ही हमारे यहां दशकों तक देश के श्रमिकों को भी कानून के जाल में उलझा कर रखा गया है जब जब श्रमिकों ने आवाज उठाई तब तब उनको कागज पर एक कानून दे दिया गया स्थिति यह थी निर्माण से जुड़े श्रमिकों के लिए एक कानून खेत से जुड़े श्रमिकों के लिए दूसरा कानून पत्रकारिता से जुड़े कामगारों के लिए एक कानून फिल्म उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक साथियों के लिए अलग कानून ऐसे अनेक कानून थे जरूरत श्रमिकों का जीवन आसान बनाने की थी लेकिन उनके जीवन को कानूनी दाव पेचों में उलझाकर रख दिया गया